मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इसराइल की नई हुकूमत जस्टिन ट्रूडो के लिए नई मुश्किलात पैदा कर रही है। कनाडा में फलस्तीन और इसराइल के हामी कशमकश का शिकार। नई हुकूमत की सामाजिक पॉलिसियों को बहुत से सेकुलर इसराइली भी खतरे के तौर पर देख रहे हैं। कनाडा सिंधी जबान को बैरून मुल्क महफूज रखने के लिए अहम कदम उठा सकता है। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि ऐवान में सिंधी जबान की पहचान करवाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सिंध को इलाकाई जबान के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी के सबब ट्रैफिक हादसात में इजाफा। मुख्तलिफ शहराओं पर तसादुम के वाकयात रिपोर्ट। तसादुम के सबब ट्रांजिट सर्विस भी मुतासिर। बरतानिया में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी। निजाम जिंदगी मफलूज। जमीनी और फिजाई सफर में मुश्किलात। नदी पर जमी बर्फ टूटने से 6 बच्चे डूब गए। शदीद बारिशों के सबब सऊदी हुकाम का बास इलाकों में स्कूल बंद करने का ऐलान। रूस का यूक्रेन में तवानाई के तंसीबात पर हमला। 15 लाख अफराद बिजली से महरूम। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि यूक्रेन में जंग रूस यूरोप की जंग बन सकती है। जंग से बचने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. इसराइल की नई हुकूमत जस्टिन ट्रूडो के लिए नई मुश्किलात पैदा कर रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इसराइल की नई सख्त दाएं हुकूमत जस्टिन ट्रूडो के लिए नई मुश्किलात पैदा कर रही है। कनाडा में इसराइल के हामी और फलस्तीन के हामी ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो इत्तेहादी हुकूमत बनाई जा रही है, उसने दोनों फरीकों को मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद कर दिया है। इसराइल की अब तक की सबसे ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत की आमर ट्रूडो हुकूमत को भी चैलेंज करेगी, जिसने कम धूमधाम के बावजूद स्टीफन हार्पर जैसा इसराइल नवाज रास्ता अपनाया है। नेतन्याहू हमेशा इसराइली सियासत में अहम समझे जाते हैं, ताहम अब उनके शराकत दार बदल चुके हैं। बदउनवानी के स्कैंडल्स के एक सिलसिले ने उन्हें उन ज़्यादा मरकजी सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल बना दिया जो उसके साथ इत्तेहाद करते थे, जिससे वो मरकजी धारे से बाहर पार्टियों में जाने पर मजबूर हो गए। अपने तावुन की कीमत के तौर पर दीगर जमातों ने नई हुकूमत में अहम ओहदों का मुतालबा किया और हासिल किए। सेंटर फॉर इसराइल एंड ज्यूइश अफेयर्स के सदर और CEO शमून फोगल ने कहा कि यह सूरत हाल इसराइल की फ्री विलिंग जमहूरियत की पैदावार है। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई तंग नजरी के हामिल गिरोहों को कुछ इंतखाबी कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाता है, लेकिन उनकी कामयाबी इसराइल की जमहूरी इकदार के इस्तेहकाम पर सवाल उठा रही है। फोगल वो पहला शख्स है जिसने एतराफ़ किया कि उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत कनाडा में इसराइल के मफादात और इमेज का दिफा करने के अपने काम को मजीद मुश्किल बना देगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू और हुक्मरानी की हकीकतें इंतहा पसंदों पर काबू पालेंगी। ये तस्लीम करना नागुजीर है कि यह बैन अल-अक़वामी बिरादरी में इसराइल के लिए एक चैलेंज की नुमाइंदगी करने वाला है। नई हुकूमत की सामाजिक पॉलिसियों को बहुत से सेक्युलर इजरायली भी खतरे के तौर पर देख रहे हैं। सुबुकदोश होने वाले इजरायली वजीर आजम यायर लापिड ने खबरदार किया कि इसराइली मुआशरे में इंतहाई खतरनाक और शख्सियात हमारे बच्चों की तालीम में सबसे ज्यादा गालिब होंगी।
कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि कैनेडा सिंधी जबान को बैरूने मुल्क महफूज रखने के लिए अहम कदम उठा सकता है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि कैनेडा सिंधी जबान को बैरूने मुल्क महफूज रखने के लिए अहम कदम उठा सकता है। कैनेडा के रुकने पार्लियामेंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खिताब करते हुए कहा कि आज मैं इस ऐवान में सिंधी जबान की पहचान करवाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इस इकदाम से कैनेडा और सिंध में रहने वाले सिंधी अफराद समेत पाकिस्तान के दीगर इलाकों और कौमियतों के साथ ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। जेरेमी पीटर्स का कहना था कि छोटा ही सही लेकिन कैनेडा सिंधी जबान को बैरूने मुल्क महफूज रखने के लिए अहम कदम उठा सकता है। जेरेमी पीटर्स का कहना था कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में सिंधी को दफ्तरी जबान के तौर पर तस्लीम किया गया है। जेरेमी पीटर्स ने कराची के कैनेडियन कौंसल खाने और इस्लामाबाद में अपने मुल्क के हाई कमीशन से कहा कि सिंधी को दफ्तरी जबान के तौर पर तस्लीम करें और शहरियों को सिंधी जबान में भी खिदमात फराहम करें। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इस नुमाया इलाकाई जबान को तस्लीम ना करने से कैनेडियन कौंसल खाने हाई कमीशन और सिंधी लोगों के दरमियान रबते में रुकावटें हैं। उनका कहना था कि इसे तब्दील होने की ज़रूरत है। सिंधी अफराद अपनी जबान में ही कौंसल खिदमात की फरहमी का हक रखते हैं। कैनेडा के शहर टोरंटो में इंतहाई सर्द मौसम के सबब ट्रैफिक हादसात में इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में मुख्तलिफ शाहराओं पर तसादुम की इत्तलात मौसूल हुई हैं। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडा के शहर टोरंटो में इंतहाई सर्द मौसम के सबब ट्रैफिक हादसात में इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में मुख्तलिफ शाहराओं पर तसादुम की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इतवार का सर्द मौसम अपने साथ टोरंटो और GTA में मुतादिद गाड़ियों के तसादुम और ट्रांजिट रूट की भीड़ लेकर आया है। ऑन्टेरियो प्रोविजनल पुलिस के सर्जेंट कैरी शिमिट ने कहा कि सर्विस ने बर्फ और बर्फबारी के नतीजे में इलाके में होने वाले हादसात में इजाफा देखा है। सर्जेंट कैरी शिमिट ने कहा कि अगर आप आज सड़कों पर निकलने जा रहे हैं तो यकीनी बनाएं कि आपके पास हेड लाइटिंग का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। यकीनी बनाएं कि आपकी गाड़ी बर्फ और बर्फ से पाक है। अगर आप उस वक्त तक गाड़ी चलाने से गुरेज कर सकते हैं जब तक कि बर्फ ख़त्म ना हो जाए और हिल ने बर्फ और बर्फ की शाहराहों को साफ कर दिया हो तो ये सबकी मदद करेगा और ट्रैफिक को रवां दवां रखेगा। टोरंटो में हाईवे 401 पर बेव्यू एवेन्यू के करीब एक आमने सामने तसादुम जिसमें इतवार की सुबह दो ड्राइवरों की मौत हो गई। बाहर निकलने पर कलेक्टर लेन को कई घंटों के लिए बंद देखा। ताहम ये वाजे नहीं है कि मौसम और हद निगाह ने हादसे में कितना किरदार अदा किया। इस कार्ब्रो में एक शख्स को शाम 6 बजे से ठीक पहले शिपार्ड एवेन्यू ईस्ट और कैनेडियन रोड के इलाके में तसादुम के बाद गैर जानलेवा जख्मों के साथ अस्पताल ले जाया गया। TTC ने ट्वेट का तसादुम उनकी सर्विस को भी मुतासिर कर रहे हैं। कई GO ट्रांजिट बस रूट्स भी अपनी बर्फबारी से मुतासिर हुए जिनमें ताखियत की इत्तला मौसूल हुई। बरतानिया में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया। बर्फबारी के बाइस ज़मीनी और फिजाई सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीला जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बर्फबारी के बाइस ज़मीनी और फिजाई सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट्स बंद होने से मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। बर्फबारी के बाइस लंदन का ट्राफलिगर स्क्वायर फाउंटेन भी जम गया है। बर्मिंघम में एक नदी पर जमी बर्फ टूटने से 6 बच्चे डूब गए जिनमें से 4 को बचा लिया गया। ताहम उनकी हालत तशवीशनाक है जबकि 2 कम उम्र बच्चे लापता हैं। बरतानिया की सिविल एविएशन के मुताबिक शदीद बर्फबारी के सबब मुतादिद एयरपोर्ट के रनवेज आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। मुसाफरों से कहा गया है कि जैसे ही परवाजें दोबारा शुरू होंगी उन्हें मुतला कर दिया जाएगा। ग्लोस्टर शायर में सड़क पर बर्फ के बाइस कई गाड़ियां टकरा गईं। हादसे के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। दूसरी जाने मोटरवे पुलिस ने दर्जनों ट्रैफिक हादसात के बाइस आवाम को घरों में रहने की हिदायत कर दी है। वाजे रहे कि हाल ही में बरतानिया में तारीख की शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई की गई थी जबकि हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने शहरियों के लिए अलर्ट जारी किया था। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने जुमे तक इंग्लैंड में खून जमा देने वाली सर्दी की पेशगोई की है। एसेक्स के कुछ हिस्सों में 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी जालाबारी और जमने वाली धुंध कई दिनों तक जारी रहेगी। शुमाल मशरकी स्कॉटलैंड में रात भर दर्जा हरारत -15 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बरतानिया में गुज़िश्ता साल फरवरी के बाद से देखा गया सबसे कम दर्जा हरारत होगा।
दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने शदीद बारिशों के पेश नज़र बाज़ इलाकों में स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के मुताबिक सऊदी अरब के शहरों जद्दा, मक्का मुकर्रमा और ताइफ के मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई जो जुमेरात तक जारी रहेगी। बारिश के सबब शराहें और सहराई वादियाँ जेर आब आ गईं। हुकाम की जानिब से बारिश के सबब मक्का मुकर्रमा, ताइफ और जद्दा में आज स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया गया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की बंदरगाह ओडिशा में दो तवानाइयों की तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद 15 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस की जानिब से यूक्रेन की बंदरगाह ओडिशा में दो तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद 15 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन में जारी जंग रूस और यूरोप की जंग बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाने के लिए ईरानी साख्ता ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, ताहम आज़ाद ज़राए से इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो खिताब में कहा कि ओडिशा के इलाके में सूरत हाल बहुत मुश्किल है। बदकिस्मती से बिजली बहाल करने में ज्यादा वक्त लग सकता है। बदकिस्मती से इसमें घंटे नहीं बल्कि चंद दिन लगेंगे। अक्टूबर से मास्को ने यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नॉर्वे यूक्रेन के तवानाई के निजाम को बहाल करने में मदद के लिए $100 मिलियन भेज रहा है। नेटो के सरबराह ने खदशा जाहिर किया है कि यूक्रेन में जंग काबू से बाहर हो सकती है और ये रूस और नेटो के दरमियान जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जंग से बचने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि रूस ने कई बार नेटो इत्तेहादियों पर यूक्रेन को हथियार फराहम करने, उसके फौजियों को तरबियत देने और रूसी अफवाज पर हमला करने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस फराहम करके तनाज़े का फरीक बनने का इल्ज़ाम लगाया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।